दोस्तों जे तुहाडे भी लत्तां अते पैरां ते इस तरह दियां नसां दिखाई दिंदियां हन तां अज इस वीडियो नूं पूरा जरूर देखो क्योंकि इस वीडियो दे विच आपां गल करांगे पिंडलियां दे पिछे होण वाले नसां दे गुच्छे यानी कि वैरिकोज बैंड्स बारे अते घरेलू नुस्खे भी दसांगे जिस नाल इह समस्या बिल्कुल ठीक कीती जा सकती है। दोस्तों वैरिकोज बैंड्स इह इक बहुत ही आम समस्या है जिस विच पैरां अते लत्तां दियां नसां एक जगह ते इकट्ठियां होण लग जांदियां हन अते चमड़ी दे थल्ले दिखाई देण लग जांदियां हन। जदों पैरां दियां नसां दे बाल कमजोर हो जांदे हन तां नसां कमजोर हो के फुल्लण लगदियां हन। इन्हां नसां दे बाल दे राही साडा खून पैरां तों दिल तक पहुंचदा है पर इह बाल कमजोर हो जाण दे कारण खून उपर नूं नहीं जा पाउंदा अते पैरां दियां नसां दे विच जम्मणा शुरू हो जांदा है जिस नाल चलण फिरण दे विच तकलीफ हुंदी है। तुरदे समय पैर भारे लगते हैं लंबे समय तक बैठन ते पैर सो जाते हैं अते कीड़ियां लड़न जिहा महसूस हुंदा है पैरां अते लत्तां दे विच दर्द हुंदा है। इस समस्या का समय सिर इलाज करना बहुत जरूरी है नहीं तो बुढ़ापे दे विच लोकां नूं तुरना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। चलो हुण तुहानूं दसदे हाँ वह घरेलू नुस्खे जिस नाल इह समस्या ठीक कीती जा सकती है। इस तों पहलां जे तुसीं साडा फेसबुक अते यूट्यूब चैनल सिहत पंजाब हैल्थ सबसक्राइब नहीं कीता तां कर लो अते नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो तां जो हर सेहत संबंधी जानकारी तुहानूं मिल जावे। दोस्तों इस नुस्खे लई सब तों पहलां चार कलियां लसण दियां लैणियां हन। दोस्तों लसण खून नूं पतला रखदा है अते नसां दे विच खून नूं जम्मण नहीं दिंदा। इस दे नाल नाल इह शरीर दे विच खून दे फ्लो नूं भी ठीक रखदा है। इस दे नाल दूजी चीज़ जो लैणी है उह है अद्धा चम्मच अजवाइन। इस तों बाद इक गिलास पानी नूं हल्की अग ते उबालो अते उस दे विच लसण अते अजवाइन नूं मिलाओ। जदों ये पानी चंगी तरह उबल जावे तां इस पानी नूं छान के दिन विच दो बार पीना है। अद्धा गिलास सवेरे खाली पेट पीना है अते अद्धा गिलास शाम नूं खाना खाण तों घंटा पहलां पीना है। दोस्तों इस पानी नूं लगातार एक महीना जरूर पियो तुसीं देखोगे तुहाडी वैरिकोज बैंड्स की समस्या ठीक होण लगेगी क्योंकि यह नुस्खा तुहाडे शरीर नूं गर्माहट दिंदा है अते नसां नूं मजबूत करदा है। यह नुस्खा वैरिकोज बैंड्स के नाल नाल शरीर के किसी भी अंग या किसी भी नाड़ दे विच जेकर खून की ब्लॉकेज हो उसनू भी ठीक रखता है। आओ हुण गल करते हाँ दूजे नुस्खे बारे। इस दे लई तुहानू जरूरत पवेगी जैतून दे तेल की। दोस्तों जैतून का तेल साडे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखता है। जैतून के तेल की मालिश करन दे नाल साडे शरीर दियां नसां विच खून का बहाव ठीक हो जाता है। इस दे लई जैतून दे तेल विच तुसीं विटामिन ई दे तेल नूं मिलाउणा है। विटामिन ई दा तेल तुहानूं किसी भी मैडिकल स्टोर जां फिर ऑनलाइन आसानी नाल मिल जाएगा। इन्हां दोनों तेलों नूं इक्को जिन्नी मात्रा विच मिला के थोड़ा जिहा गर्म कर लो अते शरीर दियां नसां दे उपर इस तेल नाल मालिश करो। इस नाल नसां विच खून दा बहाव तेज हो जाता है अते जे किसी नाड़ विच खून जम गया होवे ता ओ भी ठीक हो जाता है। दोस्तों जदों भी साडे शरीर नूं कोई समस्या हुंदी है ता उस नूं बिल्कुल ठीक करन लई साडे शरीर नूं अंदर तों मजबूत होना बहुत जरूरी है। वैरिकोज बैंड्स की समस्या हो जाण ते साडे शरीर दियां नसां कमजोर हो जांदियां हन इसलिए सानूं ओ चीज़ां खाणियां चाहीदियां हन जो साडे शरीर दियां नसां नूं मजबूत करन। इस दे लई काली किशमिश अलसी दे बीज अते अखरोट इह चीज़ां अपने आहार विच जरूर शामिल करो क्योंकि इन्हां नूं खाण नाल नसां मजबूत हुंदियां हन। दोस्तों ए सी वैरिकोज बैंड्स लई कुछ घरेलू नुस्खे। उम्मीद है ये नुस्खे तुहाडे लई फायदेमंद होणगे। वीडियो देखण लई धन्नवाद।